कि नशा जो है एक बार करने से छूट जाएगा हाँ छूटता है विल पावर से छूटता है इस इच्छा शक्ति से छूटता है बट बहुत सारे एडिक्शन ऐसे हैं जिनका जो एडिक्शन है वो वन टाइम डोज का है कि अगर आपने एक बार नशा कर लिया तो आप इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे हमारी जो युवा शक्ति है युवा पीढ़ी है वो भी जो है नशा करती है जब तो इसी चीज से लेकर उनकी शुरुआत होती है जैसे कि टीनेजर होते हैं जो उनमें यही चीज होती है कि भी हमें नशा करना है एक बार करेंगे अरे यार करके देख लेते हैं क्या जाता है एक टाइम में जो उनकी एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा है बस वहीं पे वो गलती कर जाते हैं यहीं से नशा स्टार्ट हो जाता है अपनी जिज्ञासा है शांत करें बट देखें कि कभी आपकी मदर ने ये नहीं कहा कि कोई भी ऐसी चीज खाओ इवन सुबह का जो खाना होता है वो भी हम शाम को नहीं खाते तो हर एक चीज मदर ने बचपन से लेकर आज तक समझाया है कि क्या चीज खाने की है क्या चीज सूंघने की है क्या चीज टच करने की है क्या चीज महसूस करने की है तो हम ऐसे ही क्यों गलती कर बैठते हैं वन टाइम यूज करने की हमारे गुरु हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमें समय समय पर बहुत सारी चीजों के लिए आगाह करते रहते हैं फिर क्यों हम वन टाइम यूज करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं युवा पीढ़ी में है टीन में है जो नशा करने के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया वन टाइम यूज़, सेकंड किसी को इमिटेट करना नकल करना जैसे कि फिल्मी हस्तियों की ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाए क्योंकि जैसे कि आपके गुरु जो नशे से दूर रहते हैं ऐसे लोगों को नहीं जो आपको गलत डायरेक्शन दे अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाए कि आप जो है नशा करें ही ना ऐसे लोगों को ही आइडियल बनाए हमेशा जैसे कि मूवीज में है बहुत कल्चर है नशे को दिखाने के लिए हमारी सोसाइटी का भी पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा फोक कल्चर देखेंगे और हमारा जो म्यूजिक है उसमें भी बहुत सारे गाने आपको ऐसे दिखेंगे जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाए जाते हैं कि भी नशा अगर आप करते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें लेते हैं तो उसमें जो है आपका रुतबा बढ़ता है जो आपकी ताकतें बढ़ती हैं या आपका स्ट्रेस कम होता है है ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो अप्रोच है नशे के लिए वो नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए ऐसे सॉन्ग्स को ऐसी मूवीज को नहीं देखना चाहिए जहां पे कि ये नशे को बढ़ावा देती हैं, है ना अब बात यह आती है कि नशा क्या है कोई भी ऐसा सबस्ट्रेंथ जो रगड़ने सूंघने खाने चबाने या तरल रूप में या इंजेक्शन में ऐसा सब्सटेंस जो ये दावा करता है कि इससे आपकी शारीरिक मानसिक शक्तियां बढ़ जाती हैं, वो एक नशा है अब है ड्रग एब्यूज क्या है कोई भी ऐसी दवा जो कोई भी ऐसी दवा जो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम ऐसे ही ले लेते हैं और उसको निरंतर बनाए रखते हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी डॉक्टर के बिना अगर हम लेते हैं तो वो नशा ही कहलाता है चाहे वो पैरासीटामोल ही क्यों ना हो वो ड्रग एब्यूज की कैटेगरी में आएगा तो कभी भी आप कोई भी चीज यूज करें तो उसके लिए हमेशा अपना ज्ञान पूरा रखें अवेयर रहें किसी भी चीज को यूं ही यूज ना करें कोई भी दवा को यूं ही ना यूज करें हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा का यूज करें मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि हमेशा डॉक्टर की जो है प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन का यूज करें प्रॉपर फॉलो अप लें, हमेशा क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि उसमें इवन दो आप लोग सभी हैरान हो जाएंगे महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन या दवा का ये कहते हैं कि मुझे ये लगाने से या लेने से आनंद आता है कई बार डॉक्टर को भी सजेस्ट करते हैं पेशेंट की भी यही दवाई प्लीज़ मुझे लिखिए यही इंजेक्शन मुझे लि... ये, तो ये साफ तौर पर ड्रग एब्यूज है ये साफ तौर पर नशा है इसमें आप नहीं ये सोचने में कि आपको नशा है अगर आप किसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की गई है और वो आप सिलेक्ट करते हैं और हमेशा उसी की डिमांड करते हैं और डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि ये नहीं इस स्थिति में कंडीशन में ये, ये मेडिसिन चलेगी फिर भी आप कहीं एक दो बार आपने चॉइस रखते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको उस ड्रग का एडिक्शन है आप ड्रग यूज नहीं एब्यूज कर